मोहम्मदी मस्जिद गुलाबगंज में मनाई गई हर्षोल्लास के साथ शबे कद्र। आज मोहम्मदी मस्जिद गुलाबगंज में 24वां रोज़ा और 25वीं शबे में कलाम पाक मुकम्मल पूरा हुआ, जो पूरे महीने तरावी के रूप में पेश। इमाम साहब अब्दुल रहीम साहब ने तरावी की नमाज पढ़ाई, हाफिज साहब ने कलाम पाक मुकम्मल किया, फिर 24 रोज़ा 25वीं शब को शबे कद्र मनाई गई। शबे कद्र रमज़ान माह के आखिरी असरे में मनाई जाती है। रमज़ान के महीने के आखिरी 10 दिन शबे कद्र की पूरी रात मस्जिदों में इबादत की जाती है और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगी जाती है। इस रात को अल्लाह अपने बंदों के पूरे गुनाह बख्श देता है, जिसमें तमाम बड़े बड़े उलेमाओं ने कुरान और हदीस की रोशनी में अपने बयानात किए और माह रमज़ान की बरकतों के बारे में बतलाया, फिर सामूहिक रूप से दुआ की गई। इसमें हमारे मुल्क देश हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून बना रहे और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे और आपस में भाईचारा बना रहे। इस मौके पर मस्जिद के सदर मोहम्मद लई खान पठान साहब एवं खिदमर गुजार मोहम्मद खदीर खान साहब एवं नायफ सदर जव्वार साहब द्वारा बड़े बुजुर्गों को पगड़ी बांधकर और नौजवान कार्यकर्ताओं को रुमाल भेंट कर सम्मानित किया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम मोहम्मदी मस्जिद गुलाबगंज कैंट के इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम अहबाब की दुआओं की बरकत से रमज़ान मुबारक की 25वीं शब में मुझ नाचिस को बशक्ल तरावी कुरान अज़ीम मुकम्मल सुनाने का एज़ाज़ हासिल हुआ। आप तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप तमाम अहबाब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी कुव्वत हाफ़िज़ा में मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए। 25वीं शब में हम लोगों ने मिलकर के शब कदर मनाई, क्योंकि ये एक ताक वाली रात है और आपको पता होना चाहिए कि आखिरी अशरे की ताक वाली रात में शब कदर मनाई जाती है। और शब कदर है क्या? अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है ये हज़ार महीनों से अफजल है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम आखिरी अशरे की ताक वाली रातों में, यानी 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब में शब कदर को ढूंढना। तो हम लोगों ने 25वीं शब में जाग कर के रात पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें की, महफिल का भी इनेकाद रहा, नात मनकवत पढ़े गए, बयानात हुए, उसके बाद हमने दुआएं की। दुआओं में हमने तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं की कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के माल जान अहल आयाल की हिफाजत अता फरमाए। उसके बाद हमने मुल्क के लिए दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, हिंदुस्तान में भाईचारा अता फरमाए। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तमाम अहबाब भी ताक वाली रातों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, दुआएं मांगें। ऐसी रातें बहुत कम मिलती हैं, साल में एक बार ही आती हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तमाम अहबाब ताक वाली रातों में जाग करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और दुआएं मांगें। दुआओं में बिलखसूस हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, मुल्क में भाईचारा अता फरमाए।